Good morning, students. We have completed chapter 4, that is business services. Now we have the next chapter, chapter number 5, that is emerging modes of business. Emerging modes of business means ki business ke aajkal ki area ko dekhte hue, aajkal ki need ko dekhte hue, business ne apne new forms ke through apni सर्विसेज कस्टमर्स को देना स्टार्ट किया है, जैसे टेक्नोलॉजीज़, जैसे मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है, जैसे आजकल के कस्टमर्स मॉडर्न होते जा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही बिजनेस एंटरप्राइजेज ने भी अपने सर्विसेज को देने का न्यू टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट कर दिया है, न्यू मेथड्स निकाले हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इसमें सबसे फर्स्ट ई बिज़नेस, यू ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस, मींस इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस. इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस क्या होता है? जस्ट सी, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कॉमनली रिफर्ड टू एज ई बिज़नेस और रिफर्स टू कंडक्टिंग बिज़नेस एक्टिविटीज़ over internet or any other computer network. E-business means कि जब भी आप network का या computer का use करके अपनी business को conduct करते हैं या business services आप internet के through computer पर बैठ के दूसरे अपने customers को दे रहे हैं, तो that's called e-business. जब अपना business का सारा work आप electronic way में internet के through by using कंप्यूटर जब आप करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस. आजकल की नीड को देखते हुए और मॉडर्निटी को देखते हुए, टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट होने के लिए सारे बिज़नेस फर्म्स ई बिज़नेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग शॉपिंग साइट्स बनी हुई हैं, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, बहुत सारी ऐसी शॉपिंग साइट्स हैं जिसमें हम जब भी चाहें, जो भी चाहें प्रोडक्ट, हमको हर तरीके का और वो भी वैरायटीज़ में. एक शॉपिंग साइट्स में अगर नहीं मिला या हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे साइट शॉपिंग साइट पे शॉपिंग कर सकते हैं. यहाँ वैरायटीज़ होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ब्रांड्स भी होते हैं, हमको चॉइसेस भी मिलती हैं जितनी मार्केट्स में शायद इतनी अवेलेबल ना हो, तो हम एट होम शॉपिंग कर सकते हैं. वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटीज़, लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, एंड वी हैव चॉइसेस ऑफ कलर्स, डिफरेंट वैरायटीज़. तो ये क्या है? ये बिजनेस है कि वो इंटरनेट के थ्रू कस्टमर्स को कैच कर रहे हैं. अपनी शॉपिंग साइट्स उन्होंने ओपन कर दी, सारे प्रोडक्ट्स को, सारी कंपनीज के ब्रांड्स को इंक्लूड कर लिया, और अब हर तरह के प्रोडक्ट में डील करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है कि वो घर पे बैठ के एट होम सारे प्रोडक्ट्स उनको मिल सकते हैं, प्लस होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. तो दैट्स कॉल्ड ई बिज़नेस. ये क्या है? ये पहले तो हम लोग के इंडिया में या पहले तो हम लोग की कंट्री में नहीं था. धीरे धीरे ये ऑनलाइन ई बिज़नेस शुरू हुआ हमारा. देखते देखते आजकल के अगर टाइम पे देखें तो ई बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. और अगर अभी हम COVID-19 को देखें तो ज़्यादातर मार्केट में जाने के बजाय लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो इसी को कहते हैं ई बिज़नेस. टाइम टू टाइम ई बिज़नेस में हमारी प्रेफरेंस, डिमांड्स लोगों की, कस्टमर्स की और इंक्लूड होती जा रही है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आपको प्रोडक्ट जो भी आपने लिया है पसंद नहीं है, तो आप उसको वापस कर सकते हैं. तो रिटर्निंग की प्लस होम डिलीवरी की, ऑनलाइन शॉपिंग की सारी फैसिलिटी आपको आपके फ़ोन पे या कंप्यूटर में मिल रही है थ्रू इंटरनेट. तो क्या करेंगे आप मार्केट जाकर? वैरायटीज़ मिल रही है, ब्रांड्स मिल रहे हैं, कलर्स चॉइस मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं, साइज़ है, सब कुछ है. तो दैट्स कॉल्ड ई बिज़नेस. ये कैसे जनरेट हुआ? ये हम लोग की डिमांड को, स्कोप को और प्रेफरेंस को देखकर ये धीरे धीरे
आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करने लगे हैं। नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ ई बिजनेस।